जब कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार हादसा हो जाने का कारण ढूंढते हैं, और जब हादसे की वजह नजर ना आए तो जिम्मेदार लापरवाही करते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा उमरिया जिले के वीरसिंहपुर पाली नगर पालिका क्षेत्र में देखने को मिला। दरअसल पाली से शहडोल मार्ग में स्थित रामपुर गैरेज के समीप सड़क ऊंची हो जाने के कारण बीते वर्षों में विद्युत के पोल नीचे हो गए हैं, जिससे विद्युत प्रवाहित तार झूल रही है, जो कि असमय बड़े हादसों को न्योता देने का काम कर रहे हैं। ये विद्युत तार गैरेज में आने वाले बड़े वाहनों से टकराते हैं, जिससे कभी भी कोई हादसा होने की संभावना बनी रहती है। राधे श्याम विश्वकर्मा। क्या करते हैं? कमानी रिपेयरिंग। क्या परेशानी आती है? यहाँ जो खम्बा जो तार लगा हुआ है, ये तार नीचे है तो गाड़ी लगाने में बहुत दिक्कत जा रही है हमको। और रोड में गाड़ी जाती है, एक्सीडेंट होते हैं, हमेशा जाम लगता है। एक बार शिकायत किया, जो आगे वाला खंबा गड़ा है वो खंबा गड़ रहा था तो तार नीचे हुआ। हमने बोला ये तार को ऊपर कर दो, तो बोले कल दूसरा खंबा लगेगा तब जाके ऊपर होगा। और जितने बार बोलते हैं तो बोले गाड़ी से एक्सीडेंट कर दो, तार तोड़ दो, तब हम खंबा गड़ाएंगे। इस बात की जानकारी होने के बावजूद जिम्मेदार विभाग अब तक न तो विद्युत पोल बदलवा रहा है और न ही तार को व्यवस्थित किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस स्थल में पाली नौरोजाबाद सहित नेशनल हाईवे में गुजरने वाले वाहनों की मरम्मत और सुधार कार्य किया जाता है। स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों से समस्या के समाधान की मांग की है। बीरसिंहपुर पाली से तपस गुप्ता की रिपोर्ट। यहाँ पे मेरी दुकान के सामने इलेक्ट्रिकल पोल, विद्युत पोल, जो कि कई वर्षों से नीचे की स्थिति में, डाउन की स्थिति में जा रहा है, जो कि रोड बन जाने के कारण और डाउन हो गया है, जिसके कारण कई सारी दुर्घटनाएँ आए दिन होने की संभावना होती है। मैंने कई अधिकारियों से और बिजली के अधिकारियों से, बिजली के कर्मचारियों से कितनी बार मैंने मौखिक लिखित रूप से शिकायत की है, अन्यथा कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम यहाँ वाहन मालिक हैं, हमारी गाड़ियों का कार्य यहाँ मोटर गैरेजों में होता है, मरम्मत का कार्य, और यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की काफ़ी मतलब दिक्कतें आती हैं हमें। कारण ये है कि यहाँ बिजली का पोल बहुत नीचे लगा हुआ है, जिसकी तारें भी काफ़ी नीचे झूलती हैं। गाड़ी अगर हम सटा के खड़ी करते हैं तो बिजली विद्युत का खतरा बनता है, और अगर रोड पर खड़ी करते हैं तो किसी भी प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती हैं।